हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके BSNL के सिम में डाटा ऑन करने पर यहां पर ई नेटवर्क आता है या H+ नेटवर्क आता है और आपका BSNL के सिम में इंटरनेट वर्क नहीं करता है, इंटरनेट चलता नहीं है, तो आप इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपको अपने सेटिंग ऐप को ओपन कर ले। सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको अपने BSNL के सिम को क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रीसेट टू डिफॉल्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रीसेट टू डिफॉल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो भी बग रहेगा वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है और बैक होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रीफेड नेटवर्क टाइप का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस तरीके से अगर 2G, 3G या 3G प्रीपेड पर क्लिक होगा तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको सबसे ऊपर वाले साइड पर क्लिक कर लेना है। जैसा कि मान लीजिए मैं यहां पर 5G प्रीपेड देखने को मिला, तो मैं इस पर इस तरीके से क्लिक करूंगा, तो इसी तरीके से आप भी क्लिक कर लीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहां से आपको बाहर आ जाना है और बाहर आने के बाद फ्रेंड्स, फिर से आपको अपने सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है दूसरा सेटिंग करने के लिए। तो दूसरा सेटिंग करने के लिए फिर से आपको अपने सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है और सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक सर्च आइकन देखने को मिल जाता है। हर एक स्मार्टफोन के सेटिंग ऐप में सर्च आइकन होता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है रीसेट। इस तरीके से लिख कर सर्च करेंगे फ्रेंड्स रीसेट, तो यहाँ पर आपको रीसेट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रीसेट ऑप्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस एरो पर इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पर आपको अपने BSNL के सिम को इस तरीके से क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रीसेट सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रीसेट सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन पर जो भी लॉक लगाए रहेंगे उसे डालकर ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दोबारा से रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाए, या तो हो सकता है आपके स्मार्टफोन में रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता हो, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर नेटवर्क सेटिंग हैज़ बीन रीसेट हो जाएगा। उसके बाद यहां से आपको बैक हो जाना है। अब यहाँ पर आपको एक लास्ट काम करना है कि अपने फ़ोन के पावर बटन को प्रेस करके एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट या रिबूट कर दीजिएगा। रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है तो रीस्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका रिबूट का ऑप्शन आ रहा है आपके स्मार्टफोन में, तो रिबूट के ऑप्शन पर आप क्लिक करके एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट या रिबूट कर दीजिएगा। इससे ये होगा फ्रेंड्स कि आपके मोबाइल्स में रिलेटेड नेटवर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगी, बग रहेगा, वो ठीक हो जाएगा और आपके BSNL के सिम में इंटरनेट वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप BSNL के ई नेटवर्क या H+ नेटवर्क को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और नॉलेजबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।